छंकते चला गया है चेन्नई एफसी में। एटीके का एक नया अपडेट आया है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने क्या है एक और नया विदेशी खिलाड़ी को रिटर्न। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का एक नया खिलाड़ी के बारे में रूमर्स। तो ये बिटो के एक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको आईएसएल सीजन 6 से जुड़े कुछ नया अपडेट देने जा रहा हूँ। तो पहला अपडेट आ रहा है दोस्तों केरला ब्लास्टर्स एफसी की प्री सीजन से जुड़े। तो दोस्तों केरला ब्लास्टर्स एफसी प्री सीजन खेलने जाएगा यूएवी, मैंने आपको बता दिया था, और वो जा रहा है 4 सितंबर को, और 4 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक को यूएवी में बिताएगा, वहां पर प्री सीजन खेलेगा। और इसके बारे में आगे चलकर नया अगर अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच रॉबर्ट जर्नी के बारे में। तो रॉबर्ट जर्नी 28 अगस्त को ही इंडिया में लैंड कर गया था क्रोएशिया से, वो आ चुका है इंडिया, और इंडिया में आकर एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहा, वहां पर बहुत सारा बातचीत किया नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के टीम मैनेजमेंट, साथ साथ उनका असिस्टेंट कोच भी इससे वहां पर मौजूद था, और ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है रॉबर्ट जर्नी ने टीम के साथ। आप लोग कुछ यहाँ पर पिक देख सकते हो जो कि बहुत एक अच्छा चीज है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए, अभी से इतना केयर ले रहा है और वो भी अपना प्री सीजन स्टार्ट कर देगा इंडिया में ही। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके के जॉन जॉनसन और एडू गार्सिया के बारे में। दोनों ही दोस्तों कल यानी कि 1 सितंबर को इंडिया आ रहा है स्पेन से, और दोस्तों अभी तक इनके बारे में कुछ अपडेट नहीं है कि इन दोनों में से कौन रिलीज होगा। शायद एटीके 8 विदेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखेगा और 7 को आगे रजिस्टर करेगा जो कि सीजन में खेलेगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है कुछ खराब परफॉर्मेंस चल जाता है किसी भी विदेशी खिलाड़ी का तो और एक खिलाड़ी को रजिस्टर कर लेगा तब, और एक खिलाड़ी को बाहर कर देगा। लेकिन अभी तक उनके पास एक्स्ट्रा विदेशी खिलाड़ी मौजूद है और वो शायद रजिस्टर नहीं होगा। अब कौन होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एडू गार्सिया या जेवी हर्नांडेज इन दोनों में कंपटीशन होगा, जो अच्छा करेगा वो शायद रजिस्टर होगा और एक खिलाड़ी बाहर बैठा रहेगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी। तो चेन्नई एफसी ने साइन कर लिया है दोस्तों लालिन ज्वाला छंगटे को। हाँ दोस्तों छंगटे को साइन कर लिया है चेन्नई एफसी ने, 3 साल का डील उनके साथ हुआ है। तो छंगटे इससे पहले डीएसके सिवाजन की तरफ से खेला है, उसके बाद 2016 में लोन में गया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में, और 2017 से लेकर 2019 तक वो दिल्ली डायनामो एफसी के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर उन्होंने टोटल 36 मैच खेला, 8 गोल किया, और दोस्तों इन्होंने अंडर 19 अंडर 23 टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, और दोस्तों इंडिया के सीनियर टीम में भी अभी वो अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने अभी तक इंडियन सीनियर टीम में 9 अपीयरेंस किया है और 4 गोल भी लगाया है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है छंगटे। आप तो जानते होंगे कि यूरोपियन एक क्लब में उनका इंटरेस्ट आ रहा था और उनका साइन भी होने वाला था, लेकिन कुछ कारण के चलते वो अब कैंसिल हो गए। इफ्के भाइकिंग ने उनको साइन नहीं किया था, मैंने आपको फुल क्लियर करके तब बता दिया था, और अब छंगटे पूरी तरह से 3 साल जुड़ा रहेगा चेन्नई एफसी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से छंगटे चेन्नई एफसी की तरफ से परफॉर्मेंस करता है, और उनको ऑल द बेस्ट भी हम लोग कह देते हैं उनके फ्यूचर के लिए। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के फॉर्मर खिलाड़ी जॉस डेविड लेवडो, जो कि दोस्तों अभी फॉर्मर नहीं रहा, उनको फिर से रिटर्न कर लिया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने नेक्स्ट सीजन के लिए। तो दोस्तों कोलंबिया का एक सेंटर मिडफील्डर खिलाड़ी, आप लोग जानते होंगे उनका उम्र दोस्तों 25 साल। 2018 में उन्होंने टोटल 20 अपीयरेंस किया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था, और इसके चलते नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने उनको फिर से रिटर्न कर लिया है। तो अभी तक नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने 4 विदेशी खिलाड़ी को ऑफिशियली कन्फर्म कर लिया है, जो कि है दोस्तों मैक्सिमिलियानो भास, उसके बाद गल्ले को, और अब लेडो। तो दोस्तों यहां पर 4 विदेशी खिलाड़ी पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए। और इसके बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट आता है विदेशी खिलाड़ी से जुड़े जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे टीआरडी के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो अभी तक इनके बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जब आ जाएगा मैं आपको जरूर एक बार इन्फॉर्म करूंगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके ने रिलीज कर दिया है अर्नब मंडल को, जो कि सेंट्रल बैक पोजीशन पर खेलता था। दोस्तों यहां पर आना सारी छोटी को एटीके ने साइन कर लिया, और मुझे भी लग रहा था कि अर्नब मंडल को शायद एटीके रिलीज कर देगा, और दोस्तों अंदर से खबर निकल के आ चुका है कि अर्नब मंडल एटीके से रिलीज हो चुका है। तो अर्नब मंडल को उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता था, तो उनके फ्यूचर और भी ज़्यादा अच्छा हो इसके लिए हम लोग उनको ऑल द बेस्ट कह देते हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। तो चेन्नई एफसी ने ऑफिशियली आज फ्रांसिस्को फर्नांडेज को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों फ्रांसिस्को फर्नांडेज राइट विंग पोजीशन पर खेलता था, और उनका उम्र दोस्तों 33 साल। 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने चेन्नई एफसी की तरफ से खेला था, और दोस्तों टोटल 28 अपीयरेंस पे एक गोल भी लगाया था।
2016 में उन्होंने एफसी पुणे सिटी की तरफ से खेला, 4 अपीयरेंस किया था वहां पर। उसके बाद 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने दिल्ली डायनेमो एफसी की तरफ से खेला था, यहां पर 16 अपीयरेंस किया था। तो दोस्तों बहुत एक अच्छा खिलाड़ी था। और अब चलिए देखते हैं कि इनको कौन सा टीम अब नेक्स्ट साइन करता है या वो इस बार साइन नहीं होता है, वो फ्री एजेंट रह जाता है इस बार। चलिए देखते हैं इसके बारे में, अगर नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के रूमर से दोस्तों कि वो साइन करने जा रहा है राजीव गायवंत को, जो कि दोस्तों एक डिफेंडर है और सेंटर बैक पोजीशन पर वो खेलता है। उनको उन्होंने दोस्तों 28 साल टाटा फुटबॉल एकेडमी उन्होंने अपना यूथ करियर बिताया है। और लास्ट टीम उनका था दोस्तों जमतपुर एफसी, 2018 में उन्होंने जमतपुर एफसी की तरफ से 4 अपीयरेंस किया था और एक गोल भी लगाया था। और इससे पहले दोस्तों उन्होंने ईस्ट बंगाल, मोहन बागान एफसी, गोवा, मुंबई सिटी एफसी की तरफ से भी खेल चुका है। और इंडियन नेशनल टीम के अंडर 23 और सीनियर टीम की तरफ से उन्होंने टोटल 23 अपीयरेंस भी कर लिया है। तो दोस्तों एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करता है, बहुत ही स्ट्रांग वॉल है डिफेंस में। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इनको कितना जल्दी ऑफिशियल घोषणा करता है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफएसडीएल की तरफ से। तो एफएसडीएल क्या चीज़ है आप लोग जानते होंगे, जो आईएसएल को कंट्रोल करता है, आईएसएल का ऑफिशियल है एफएसडीएल। तो दोस्तों एफएसडीएल ने घोषणा किया है अंडर 17 वुमेन्स टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट के लिए दोस्तों टोटल 100 लड़कियों को चुना जाएगा जो कि अंडर 17 का ही होगा। और इन 100 लड़कियों को 4 टीमों में बांटा जाएगा और उसके बाद इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट को करवाने के पीछे एक ही कारण है दोस्तों, इंडिया होस्ट करने जा रहा है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। यानी कि 2020 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है अंडर 17 वुमेन्स का, वो इंडिया होस्ट करेगा और इंडिया पार्टिसिपेट भी करेगा इस वर्ल्ड कप में। और इंडिया अगर टीम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, इसके लिए दोस्तों इस टूर्नामेंट को करवाया जा रहा है ताकि यहां से बेस्ट खिलाड़ी को चुना जाए टीम इंडिया के स्क्वाड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है दोस्तों एफएसडीएल द्वारा। और मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। और दोस्तों इस टूर्नामेंट का शुरुआत होने जा रहा है मिड नवंबर को इस साल ही, और इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, हॉटस्टार पर होगा और जियो टीवी पर भी होगा। और मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में और भी अपडेट देता रहूँगा। और इसके बाद दोस्तों एफएसडीएल ने एक और बड़ा स्टेप लिया है इंडियन फुटबॉल के लिए, तो दोस्तों वो है आईएसएल चिल्ड्रेंस लीग। हाँ दोस्तों, चिल्ड्रेन का आईएसएल खेला जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक लीग किया जाएगा। चलिए मैं इस लीग के बारे में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों इस लीग को करवाया जाएगा 12 स्टेट में, यहाँ पर टोटल 38,000 चिल्ड्रेन को चुना जाएगा और ये आएगा दोस्तों 40 डिस्ट्रिक्ट से। और अगर उम्र की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 6 से लेकर 12 साल का हर चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट कर सकता है। और पहले फेज में दोस्तों सिलेक्ट किया जाएगा वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से। और 2021-22 में इसका शुरुआत होने जा रहा है दोस्तों। और इसके बारे में भी मैं आपको आगे चलकर अगर अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एफएसडीएल किस तरह से इंडियन फुटबॉल में काम कर रहा है, वुमेन्स पे भी काम कर रहा है, चिल्ड्रन पे भी काम कर रहा है। तो यूथ फुटबॉल के लिए बहुत ही अच्छा अभी काम करने जा रहा है एफएसडीएल। तो एफएसडीएल को बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, उनको भी बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा मोटा रकम आने वाला है, मुझे भी पता है आप लोग कहेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी इंडियन फुटबॉल को तो मदद हो रहा है इससे। इससे पहले उन्होंने आईएसएल को स्टार्ट किया था जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही आगे ले जा रहा है इंडियन फुटबॉल को। तो यहाँ पर AIFF इसीलिए FSDL को ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहा है। और ISL को टॉप लीग अगर बना दिया जाए तो यहाँ पर कुछ गलती नहीं होगा। FSDL जिस तरह से काम कर रहा है तो इनको इस मौके को एक बार देना चाहिए और ISL को टॉप पे लेना चाहिए। और आई लीग का जितना भी टीम है जो आ सके वो आ जाए ISL में, पार्टिसिपेट कर ले, यहाँ पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से FSDL इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाता है। और मैं तो आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा जब भी आएगा इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ भी। और यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने कमेंट्री टैब पर Q&A अनाउंसमेंट कर दिया है, आप लोग जाइए वहाँ पर, आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो उस पोस्ट के नीचे और मैं आपको आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप कमेंट करते हो तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा, आप यहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो। #ask लिखकर मुझे कुछ भी पूछिए इस वीडियो के नीचे और उस पोस्ट के नीचे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।